स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आरएस फाइनर डेस्टिनेशन में। और हमें बहुत खुशी आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपके समक्ष और बेहतर वीडियोस लेकर उपस्थित होते रहेंगे। और जैसा कि आप सभी को याद है कि हमारी थर्ड क्लास कंटिन्यूड है और उसमें हमारा बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। कंप्यूटर में भी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम जो कंप्यूटर में टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा कंप्यूटर कोड, और थोड़ा कुछ वायरसेस कंप्यूटर के पूछ लिया जाता है तो वो हम शॉर्ट में देख लेंगे। और हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन की गई हैं, जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है, या मतलब आप अगर इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अब देखते हैं कंप्यूटर कोडिंग। तो जो मेनली कंप्यूटर कोड्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं, मतलब तीन प्रमुख हैं जो प्रचलित हैं, जो कि एक तो है BCD जिसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक है आपका EBC DIC जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और एक है आपका ASCII कोड। इसमें हम इन कोडिंग को देखने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एनकोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। तो एनकोडिंग होता क्या है, नॉर्मली जब हम कोई भी चीज़ इक्वेशन वगैरह जब भी या कोई भी इंफॉर्मेशन है जब हम कंप्यूटर में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको टाइप करते हैं। कंप्यूटर उसको तो नहीं समझता है, कंप्यूटर किसको समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को, जिस या बाइनरी लैंग्वेज को, 0-1 की लैंग्वेज को। तो वो क्या करता है, मूल डेटा से जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है वो जो है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी डेटा में। इसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, यानी कि जो ओरिजिनल डेटा से बाइनरी डेटा का जो कन्वर्जन है उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन यूजर को चाहिए होती है वो पूरी प्रोसेस होने के बाद यूजर को रिसीवर एंड पर मिलती है। हमें कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें कौन सी मिलती है, हमें बाइनरी की फॉर्म में नहीं मिलती है, हमें 0-1 की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हमें किस में मिलती है, हमें जो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है उसमें मिलती है। तो कंप्यूटर ने किसमें प्रोसेस किया, कंप्यूटर ने किया बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0-1 के फॉर्म में कंप्यूटर को समझ में आई तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर दिया। उसने प्रोसेस किया, उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर के अंदर ही बाइनरी से ओरिजिनल जो फॉर्म थी डेटा की, जो भी लैंग्वेज थी, उसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है। यानी कि पहले क्या हुआ, जो सेंडर एंड है उस पर क्या हुआ, उस पर कन्वर्जन हुआ ओरिजिनल डेटा से बाइनरी डेटा में। उसके बाद रिसीवर एंड पर किस में कन्वर्जन हुआ, बाइनरी डेटा से ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा में। तो इसको हम पहले वाले को हम बोलते हैं एनकोडिंग, और बाइनरी से जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा होता है उसमें अगर कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। तो ये तो बात हुई एनकोडिंग और डिकोडिंग की। अब हम बात करते हैं बीसीडी कोड जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसमें देख लीजिए आप क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो जैसे बीसीडी कोड है बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बीसीडी कोड जो है वो कितने बिट्स का होता है। तो बीसीडी कोड जो है वो 4 बिट का भी होता है, और अगर उसकी क्षमता को आप बढ़ा दें, क्योंकि 4 बिट में आप अगर देखें तो 2^4 मतलब 32 कैरेक्टर या 32 बिट्स, इसमें जो स्टोर होते हैं वो 32 कैरेक्टर तक ही स्टोर हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसकी क्षमता बढ़ानी है, यानी कि कंप्यूटर की यदि हमें क्षमता बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना सपोज 2^6, हमने 6 बिट का ले लिया बीसीडी कोड, तो इसमें कितना हो गया, 2^6 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 64। यानी कि इसकी क्षमता पहले वाले यानी कि जो 4 बिट का बीसीडी कोड था उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि ये केवल 32 कैरेक्टर को स्टोर कर पा रहा था, ये किसको कर पा रहा है, 64 कैरेक्टर को या 64 कैरेक्टर्स को स्टोर कर पा रहा है। तो ये तो हुई बात कि कितने बिट का होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में एग्जाम में 4 बिट है तो आप 4 बिट टिक कीजिएगा, अदरवाइज 6 बिट भी होता है, यानी कि 4 से 6 बिट में इसकी क्षमता जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। अब हम बात करते हैं ये होता क्या है। देखिए 0 ये हमारा डेसिमल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4 0 से 9 तक, ठीक है। अब जो 4 बिट बीसीडी कोड, अगर सपोज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, सपोज 7 आपको दे दिया, 7 क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर इससे आपसे पूछा कि 7 का बीसीडी कोड क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि बीसीडी कोड
कोड आप निकालते कैसे हैं, होता 4 बिट का है और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं 8421 से, किससे 8421। अब देखिए ये आप कोड मेन याद रखिएगा कि जितने भी आपके नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होंगे जो अभी आप आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे तो वो सभी इसी कोड पर बेस्ड हैं और इसी कोड से आप सभी नंबर सिस्टम इजीली जान जाएंगे, वेदर इट इज हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, कोई भी आपका नंबर सिस्टम हो आप 8421 इस कोड को याद रखिएगा, ठीक है। अब सपोज आपसे पूछता है कि 7 का बीसीडी कोड क्या होगा, तो 7 का बीसीडी कोड क्या होगा, आप ये देखिए बीसीडी कोड अभी मैंने बताया 4 बिट का होता है तो बिट्स तो ऑब्वियसली बात है उसमें 4 होंगी। अब अगर 4 बिट का आपको 7 में लिखना है तो 7 क्या होगा, अगर आप इसको लिखोगे तो 8 तो 0 रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 और प्लस 2 6 प्लस 1 7, यानी कि जो 7 का बीसीडी कोड हुआ वो क्या हुआ 0111। सपोज आपसे पूछता है 3 का बीसीडी कोड क्या होगा, ठीक है, तो 3 का बीसीडी कोड क्या होगा 8421, केवल इसको याद रखिएगा, ठीक है, 3 का बीसीडी कोड क्या होगा 8 तो 0 रहेगा, 4 0 रहेगा, 2 plus 1 3 3, यानी कि 2 की जगह आपका 1 आ जाएगा और इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 7 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपने कैसे किया 0111, 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया 0 0 2 plus 1, यानी कि 0 0 1 1, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीसीडी कोड है वो वेट दिखा रहा है, किसी भी चीज का वेट दिखा रहा है, जैसे ये था 7 तो ये इसने इसका वेट दिखाया, 3 है तो ये सीधे उसका वेट दिखाया, इसलिए बीसीडी कोड को वेटेड कोड भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा बीसीडी कोड को वेटेड कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो 0 से 9, अच्छा 9 के आगे वाले नंबर्स का क्या, सपोज यहाँ आ जाता है 10 11 12, तो वो सारे जो होते हैं वो डोंट केयर होते हैं, मतलब उसमें आप बीसीडी कोड का यूज नहीं कर सकते, ये तो ज्यादा मतलब एक्सटेंडेड हो जाएगा कि जैसे अगर हम इसको और ज्यादा समझने जाएं, ये नेटवर्क सिस्टम जो होता है उसमें के मैप्स वगैरह में डोंट मैप का यूज करते हैं, डोंट केयर जिसको हम बोलते हैं तो उनको डी से डिनोट करते हैं, तो ये इतना ज्यादा हमारे काम का नहीं है, हमारे जो काम का है हम केवल उस पर फोकस करेंगे कि पहला क्वेश्चन ये हो गया कि बीसीडी कोड कितने बिट का होता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि किसी भी डेसिमल कोई भी आपको नंबर दे दिया उसमें आपसे कन्वर्जन पूछा कि इसका जो बीसीडी कोड है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, और ये पूछ सकता है कि कितने करेक्टर्स, तो अगर आपको 2 raised to the power 4 है तो कितने करेक्टर इसमें स्टोर करने की क्षमता है 32 कैरेक्टर, ठीक है, और अगर 6 bit का है तो 64 कैरेक्टर। तो ये तो हो गया आपका बीसीडी कोड। अब हम बात करते हैं, या आई होप आपको समझ में आया होगा बीसीडी कोड, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिससे हम उसको सॉर्ट आउट कर पाए। अच्छा अब हम देखते हैं दूसरा जो कि है EBCDIC, या इसको हम बोलते हैं ये बीसीडी कोड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड बीसीडी इंटरचेंज कोड। अब इसमें देखिए ये सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कितने बिट का होता है, तो कितने बिट का होता है ये आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना, बीसीडी कोड हमने देखा 4 बिट का, EBCDIC कोड है वो कितने बिट का होता है 8 बिट का, 8 बिट का मतलब ये हुआ अगर आप 2 raised to the power 8 करते हैं तो इसमें 256 आता है, तो 256 कैरेक्टर। मैंने अभी क्या बताया आपको कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि बीसीडी कोड का एक्सटेंडेड वर्जन है, बीसीडी कोड अगर 4 बिट की थी तो वहां 32 कैरेक्टर को स्टोर कर पा रहा था, अगर वो 6 बिट की थी तो वो 64 कैरेक्टर को स्टोर कर पा रहा था, यदि उसकी क्षमता और भी ज्यादा बढ़ानी है तो आप उसको बोल देते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, उसमें उसकी जो बिट होती है वो कितनी होती है 8 बिट, उसकी क्षमता और ज्यादा होती है, कितनी होती है 256 कैरेक्टर। तो ये याद रखिएगा कितने बिट का होता है, ये पूछा जाता है कितने बिट का है, तो बिट याद रखिएगा, तो कैरेक्टर्स तो आप अपने आप 2 raised to the power जो भी पावर होगा वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं अगर सपोज कोई भी नंबर दे दिया, सपोज अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से 9 तक के नंबर तो ठीक है आप मतलब शो कर देते हैं नंबर सिस्टम में, बट 9 के आगे क्या, 9 के जो आगे नंबर्स होते हैं आप उनको 10 नहीं बोलते हैं,
आप उसको ये नहीं बोलोगे कि 10, 11, 12, नहीं, इनके जो नेम होते हैं नंबर सिस्टम में कंप्यूटर की लैंग्वेज में, इनमें कैरेक्टर्स मतलब ये जो नंबर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स को दिए गए होते हैं। जैसे 10 को हम बोलते हैं ए, 11 को हम बोलते हैं बी, 12 को बोलते हैं सी, 13 को बोलते हैं डी, 14 को एफ, सॉरी ई, ए बी सी डी। तो इस तरह से आपके जितने भी डेसिमल नंबर आप असाइन करते जाएंगे तो उसके रिस्पेक्टिवली उसको अल्फाबेटिकल जो भी कैरेक्टर है वो उसको लेटर है वो उसको देते जाएंगे। तो 10 को हमारा हो गया ए, और डी का आप देखिए यहाँ पर सपोज हमने एग्जांपल लिया D1, क्या लिया D1, ये तो थोड़ा टफ एग्जांपल ले लिया मैंने, लेकिन अभी आपको दूसरा भी लेकर बताऊंगी, पहले आप टफ वाला देख लो। जैसे D1 है, आपसे ये पूछा कि D1 का EBCDIC कोड कौन सा होगा, आपसे चार ऑप्शंस दे दिए, तो अब आपको ये पता है पहली बात कि ये 8-bit का होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता है कि डी को हम नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं, कौन सा नंबर होता है डी को असाइन, 13। इसका मतलब ये हुआ कि डी कितना है, डी जो है वो है 13 और ये 1 है। अब इसको मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि आप हमेशा इसको याद रखिए 8421, इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपका इजीली इसको आप क्या कर सकते हैं, इस कोड का EBCDIC कोड निकाल सकते हैं। कैसे, 4-bit इसको दे दो और 4-bit इसको दे दो, टोटल कितनी बिट हो गई, 8-bit। आप इसको दो, ये है आपका कोड 8421 13 अगर आपको देना है तो कितना हुआ ये 8 और 4 12 प्लस 1 13, इसका मतलब इसका जो 13 का जो कोड हुआ वो कितना हुआ 8 4 12, 2 को हम असाइन नहीं करेंगे और 1 13, इसकी 4-bit मिल गई। अब 4-bit ये क्या है, 1, ये कितना नंबर है डेसिमल नंबर 1, इसका अगर देंगे तो इसका क्या होएगा 0001, यही होगा ना 8421 से, अगर इससे आप देखो 8421 तो 1 का जो नंबर साइन करोगे वो कितना होगा 1। तो इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि D1 का जो EBCDIC कोड है वो कितना हुआ 1101001, कितना हुआ 1101001, ये क्या हुआ 8-bit है इसमें, और ये क्या है, ये D1 का क्या है EBCDIC कोड है। ऐसे ही आप और भी देख सकते हो, सपोज आपने आपको दे दिया A का, आपको कैरेक्टर दे दिया A का EBCDIC कोड कौन सा होगा, तो A क्या होता है, A होता है 10, 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब हुआ 1 और 0, 1 को 4-bit दे दो और 0 को 4-bit दे दो, तो 1 को 4-bit दोगे तो कितना होगा 0001, 0 को दोगे तो 0000, ये हो गया A का EBCDIC कोड, ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे कोड की, जो कि है आपका ASCII कोड, ठीक है। ASCII कोड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ये एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये कितने बिट का है, तो ये कितने बिट का है, ये 7 से 8 bit तक एक्सटेंड करता है, तो 7 मेनली इसको मानते हैं। जैसे BCD कोड है, BCD कोड 4 से 6 bit में करता है, लेकिन इसको मेनली माना जाता है 4-bit का ही, ठीक है। ये ASCII कोड को माना जाता है 7-bit का, लेकिन ये 7 से 8 में वैरी करता है, तो 2 raised to the power 7 से 2 raised to the power 8, इसका मतलब इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी हुई, 128 से 256 कैरेक्टर्स को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कितने बिट का, तो वो 4-bit का BCD, EBCDIC 8-bit का, और जो ASCII है वो 7-bit का। अच्छा, अब इसमें अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो आप जैसे सपोज आपको एग्जांपल है आपका 30, ठीक है, 30 को आपको क्या है, 30 क्या है, ये आप याद रखें, ये क्या है डेसिमल नंबर है, क्या है ये डेसिमल अंक है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको ASCII कोड में, आपसे पूछे इसका ASCII कोड बताइए, तो सबसे पहले आपको कोई भी कोड पूछे आप ये दिमाग में रखे वो कितने बिट का है, तो ये ASCII कोड अगर पूछा है तो ASCII कोड कितने बिट का है, 7-bit का, कितने बिट का है 7-bit का। अब अगर 30 का आप ASCII कोड लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 7-bit जानी है तो इनिशियली तो आप 4-bit दोगे ही, और 3 को आप क्या दोगे, 3-bit इसको दोगे, 3-bit इसको दोगे, तो 30 में 0 वाले को 4-bit मिल जाएगी, इधर से आप हमेशा मतलब आपका ये कह दो
राइट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इधर ये हो जाएगा, जीरो को आप चार बिट दोगे और चार और तीन कितने हो गए, टोटल बिट सात हो गई। स्काई कोड में सात ही बिट होती है, तो हमें कितनी असाइन करनी है, केवल सेवन बिट्स। तो तीन को आप तीन बिट दोगे, जीरो को चार बिट, जीरो की चार बिट कितनी होंगी, जीरो 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 जीरो, एट फोर टू वन से अगेन, ठीक है। थ्री को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे बीसी मतलब उसमें, तो आपका क्या होगा, थ्री को रिप्रेजेंट करोगे तो होगा, तीन बिट में करना है तो तीन बिट में करना है तो कितना होगा, जीरो वन वन। तो इसका जो ASCII कोड हुआ किसका, थर्टी का, कितना हुआ, जीरो वन वन जीरो 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 जीरो, ठीक है। अगेन कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपको दे दिया ए वन, क्या दे दिया, ए वन, तो ए वन का ये हो गया चार बिट, ठीक है, और ये कितना हो गया, A1 का मतलब ये हो गया चार बिट और ये हो गया टेन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी क्या निकाल सकते हो, ASCII कोड जैसे अभी बताया गया था वैसे ही निकाल सकते हैं। एक चीज जो इसमें छूट रही है वो ये कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस के, वायरस क्या होता है, वायरस जो है वो जो है वो एक प्रोग्राम होता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ और चीज डाल दिया। वायरस कोई भी, जैसे कंप्यूटर में अगर आपको किसी चीज को करप्ट करना हो तो सॉफ्टवेयर जो कंपनीज होती हैं वही एक प्रोग्राम ऐसे डिजाइन कर देती हैं जो जो भी कंप्यूटर में जितना भी डेटा है उसको क्या कर देता है, वो करप्ट कर देता है। तो वायरस, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायरस क्या है, तो वायरस जो है वो क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा जो इस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि जैसे आपको चार ऑप्शन दे दिए, आपसे ये पूछा कि इनमें से कौन सा वायरस है, ठीक है, तो कुछ अलग से तीन अलग से नाम दे देगा कुछ और चीजों के जिनकी कैटेगरी कुछ अलग होगी, और एक आपको उसमें वायरस डाल देगा जैसे, तो थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि वायरस कौन कौन से हैं। और दो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो जो वैसे होते हैं ना, जो करंट में चल रहे होते हैं, जैसे अभी जैसे क्राई है या बहुत सारे करंट में वायरसेस आते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं, तो वो ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन पुराने वायरसेस का जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने डेटा को करप्ट किया था, तो वो वायरस भी हमें पता होने चाहिए। तो जैसे ट्रोजन हॉर्स है, ये एक वायरस है, ब्लैक वर्म है, ये भी एक वायरस है, कुकू है, ये भी एक वायरस है, आई लव यू वायरस है, जेरूसलम वायरस है, रिज्यूमे वायरस है। तो वायरसेस को आप ये देख रहे हो कि डिजाइन ही ऐसे किया जाता है, उनको नाम ही ऐसे दिया जाता है जिन पर सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, क्लिक करके उसको देखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो क्लिक करेंगे उनका सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और उनका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो ये एग्जाम में कुछ वायरसेस पूछे जाते हैं। कोडिंग में से आपसे मेनली यही पूछा जाता है कि कितने बिट का होता है, ये जो कन्वर्जन है वो इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ये बहुत ज्यादा जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं वैसे कन्वर्जन उसमें पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के पर्पज से बता दिया। इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, उसका क्रम पूछ लेता है। जैसे कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, सपोज आप, ये क्या है आपका सेंडर, ये क्या है आपका सेंडर, सेंडर ने क्या करा, कोई इंफॉर्मेशन रॉ डेटा है, ये क्या है रॉ डेटा, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है वो भेजी, ठीक है, क्योंकि यहां सबसे पहले क्या करेगा, सेंडर इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो रॉ डेटा, रॉ हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये ऐसा डेटा, ये प्रोसेस्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमने जीएसटी डाला, तो जीएसटी में बहुत सारी चीजें, हो सकता है काउंसिल खुलकर आ जाए, हो सकता है वो कब गठित हुई वो खुलकर आ जाए, हो सकता है उससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च खुलकर आ जाए। तो हमने क्या डाला, एक रॉ डेटा है। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होती है एनकोडिंग, क्या होता है, ये रिसीवर एंड, ये सेंडर एंड पर ही होता है, कहां पर होता है, सेंडर एंड पर, यानी कि जो सेंडर, यहां पर इनिशियली क्या होता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन हुई, उसके बाद उसकी क्या हुई, एनकोडिंग हुई, उस एनकोडेड डेटा का चैनल के थ्रू, जो भी चैनल है, कोई भी करियर हो सकता है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिशन, उसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिशन, यानी वो डेटा अब क्या हो गया, जहां पर भी, जहां से भी वो आ रहा है डेटा, क्योंकि मेनली क्या होता है, पूरा सर्वर होता है, सर्वर से डेटा ट्रांसमिट होता है, तो डेटा आया किसके पास, रिसीवर के पास,
ठीक है। अब देखिए पूछा ये, अभी पहले देख लीजिए सेंडर रिसीवर क्या हुआ, सबसे पहले डेटा था एनकोड हुआ, मतलब कि जो ओरिजिनल डेटा था उससे क्या हुआ बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। बाइनरी जो चैनल में जाता है ट्रांसमिट होता है वो बाइनरी फॉर्म ऑफ डेटा होता है, मतलब 0-1 के फॉर्म में वो वर्ड्स जाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद रिसीवर एंड पर क्या होती है डिकोडिंग, क्या होती है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि रिसीवर को 0-1 समझ में नहीं आएगा, उसको क्या समझ में आएगा, उसको आएगा मेन जो उसकी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो। तो डिकोडिंग हुई, डिकोडिंग में क्या होता है बाइनरी आया था यहाँ से 0-1 के फॉर्म में डेटा चला था, ठीक है। तो क्या अब क्या होगा रिसीवर एंड पर जो 0-1 यानी बाइनरी डेटा था वो किस में चेंज हो जाएगा ओरिजिनल डेटा में, और यहाँ पर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो किसको मिल जाएगी रिसीवर को, यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो एक ये रफ आइडिया आप रखिएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से कंप्यूटर में पूछ लेता है कि एनकोडिंग होती है या डिकोडिंग होती है, कौन से एंड पर होती है और किस क्या इसके स्टेप्स होते हैं। जैसे दे दिया आपका सबसे पहले रॉ डेटा, फिर एनकोडिंग, फिर ट्रांसमिशन, डिकोडिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।